ચૂંટણીના પરિણામોના જે મહારાષ્ટ્રમાં મોદીની આંધી સામે કોંગ્રેસની નૈયા ડૂબી ચૂકી છે. મોદીના સૂત્ર એક હે તો સેફ હે જનતાને પસંદ પડ્યું છે અને શરદ પવારની છેલ્લી ચૂંટણીનું પરિણામ દર્દ ભર્યું રહ્યું છે. જી હા, શરદ પવારે કહ્યું હતું કે આ તેમની રાજકીય કારકિર્દીની છેલ્લી ચૂંટણી હશે જે તેઓ કારમી રીતે હારી ચૂક્યા છે. કાકા શરદ પવારને ભત્રીજા અજિત પવારે માત આપી દીધી છે. મહારાષ્ટ્રમાં ફડણવીસ, શિંદે અને પવારની જોડી સુપર હિટ સાબિત થઈ છે. મહાયુતિની જીત થઈ ચૂકી છે. મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધનના સૂપડા સાફ થઈ ગયા છે. મહારાષ્ટ્રમાં મહાવિકાસ આઘાડીએ શતક પણ નથી બનાવ્યો. ભાજપ ગઠબંધન 229 બેઠકો પર આગળ ચાલી. મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધન માત્ર 51 બેઠકો પર આગળ રહી હતી. જે પ્રકારે તનતોડ મહેનત કરવામાં આવી હતી ભાજપે દ્વારા મહારાષ્ટ્રમાં જીત હાંસલ કરવા માટે, અને તે તનતોડ મહેનત કામ લાગી ચૂકી છે. મહાયુતિને પ્રચંડ જીત હાંસલ થઈ છે, જ્યારે કે મહાવિકાસ આઘાડી જે છે તેનો કારમો પરાજય થયો છે. ખૂબ જ ખરાબ રીતે ઊંધા પટકાયા છે શરદ પવાર અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના. શરદ પવાર તો આ છેલ્લી વખત ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા, જેમના માટે જ્યારે આ હાર છે તે ખૂબ જ દર્દજનક હાર રહી છે. કારણ કે આ ચૂંટણી તેમના માટે જીતવી અતિ આવશ્યક હતી. પરંતુ ઉદ્ધવ ઠાકરે, શરદ પવારની એનસીપી અને સાથે જ કોંગ્રેસ જે કારમો પરાજયનો સામનો કરી રહી છે, જ્યારે કે હાલ એકનાથ શિંદેની તસવીરો જેઓ જીતનો જશ્ન મનાવી રહ્યા છે. જિસ પ્રકાર કી જીત હમકો દી હૈ ઇસસે ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है. और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है. मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए. इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नरेटिव को तैयार किया गया था और यहां पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से एक नरेटिव को परकुलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस एक नरेटिव को समाप्त कर दिया. इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया. साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है. इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलग जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है. विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठावले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया. इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है. जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है ऐसा मैं मानता हूं. और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है. लेकिन हमारे देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं. हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी हैं, हमारे राजनाथ जी हैं, हमारे नितिन गडकरी जी हैं, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं. हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री हैं, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई. और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने
सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया और मुझे ऐसा लगता है इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो यह सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। ऐसा है, मेरा पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह को कहना जानता हूँ, पहले चक्रव्यूह को कहना है। और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है इस टीम ने इस विजय को कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं ही गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू, त्यांचा आवाज तो महाराष्ट्रमा